प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि विपक्ष ने जो संकल्प किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। इससे मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है, क्योंकि विपक्ष ने लंबे समय तक विपक्ष में ही रहने का संकल्प लिया है। अब कई दशकों तक जैसे सत्ता पक्ष में बैठे थे, वैसे ही कई दशकों तक अब विपक्ष में बैठने का आपका संकल्प जनता जनार्दन जरूर पूरा करेगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग विपक्ष जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप आज जिस ऊंचाई पर हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेतृत्व कर और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे, नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है।